हेलो फ्रेंड्स, सोलो टेक इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं विशाल नंद आपको दिखाने वाला हूं कि डीलाइट S3 का ये जो सोलर लालटेन है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। सबसे पहले तो इसको खोलने के लिए आपको एक अलग तरह का स्क्रू ड्राइवर चाहिए, क्योंकि इसमें जो स्क्रू है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसको ध्यान से देखिए। तो इसके लिए जो मैं स्क्रू ड्राइवर लिया हूँ, ये थोड़ा देखिए बीच से टूटा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो इससे ये आसानी से खुल जाएगा। ये एकदम पॉपुलर मॉडल है, तो देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसको हम लोग इस स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से खोलेंगे। तो ये सबसे पहले यहीं से खुलेगा आपका। इसमें तीन स्क्रू लगे हैं, तो इस तरह से ये आपका खुल जाएगा। इस तरह से तीनों स्क्रू मैंने खोल दिया है। तो सबसे पहले आपको इस शीशे को अलग कर लेना है। ये आपका खुल चुका है। ये देखिए, इसमें ये LED लगे हुए हैं, यही लाइट ग्लो होती है जब आप स्विच ऑन करते हैं। देखिए ये जलने लगा, ठीक है फिर। अब इसके बाद क्या करना है, ये प्लास्टिक वाला पोर्शन को आपको यहाँ से हटाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से इसको पुश कीजिए थोड़ा सा। इसे ये स्क्रू वाला जो होल है, इसमें आपको स्क्रू ड्राइवर डाल के इस तरह से पुश कीजिएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, ये आपका बाहर निकल चुका है। तो इसमें जो ये ब्लैक कलर का है, ये आपका सोलर पैनल है। इसी से आपकी ये सेल चार्ज होती है। आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। तो ये इसमें सोलर पैनल है, ये सेल है। तो सेल को देखें ओपन करके, कौन सा इसमें किस रेटिंग का लगा है, कितने वोल्ट का है, कितने एएच का है। तो इस तरह से ये आपका खुल जाएगा। यहाँ से आपको इसमें एक जैक भी लगा हुआ है, इससे इसको खींच लीजिए। तो ये सेल इसमें है, ये आपको 400 mAh का है और 3.2 वोल्ट का है, ठीक है फ्रेंड। 400 mAh और 3.2 वोल्ट का आपको दिख रहा होगा। और ये इसमें सर्किट बोर्ड है, और ये इसमें स्विच है। तो इस सर्किट बोर्ड को आपको इससे हटा के मैं दिखाता हूँ। इसमें लॉक लगा हुआ रहता है, तो सावधानी से आप इस लॉक को इस तरह से हटाइए, नहीं तो सर्किट बोर्ड आपका टूट सकता है। तो ये देखिए आपका ये निकल चुका है। यही सर्किट बोर्ड है फ्रेंड, जिससे कि आपको ये सर्किट क्या करता है कि सोलर पैनल से आने वाले करंट और वोल्टेज को रेगुलेट करके इस सेल को देता है। क्योंकि आप लगातार इसको चार्ज में लगा के अगर भूल गए, तो बैटरी आपकी ओवरचार्ज होकर डैमेज हो सकती है। तो इससे बचने के लिए इसमें प्रोटेक्शन लगे हुए हैं, और फिर बैटरी आपका डिस्चार्ज होते होते डीप डिस्चार्ज ना हो जाए, इसको रोकने का भी इसमें प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो ये स्विच आपका ऑन ऑफ का है, और ये आपका पतला वाला पिन है नोकिया का जो आता था, उसी से चार्ज करने के लिए सॉकेट दिया हुआ है, ठीक है फिर। और ये आपका बैटरी का सॉकेट हो गया। ये LED है। तो इतना ही इसके अंदर है। और ये देखिए, ये सोलर पैनल भी यहाँ से आपका खुल जाता है। ये खुल चुका है, मतलब एक एक पार्ट आप इससे अलग कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको एक एक कंपोनेंट ओपन करके दिखा दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।
और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।